अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज काफ़ी एनालिसिस होगी, डिबेट भी होगी और जो न्यूज़ है वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन द क्वेश्चन हियर अराइजेस के जो पेट्रोल की प्राइस है जो एक एक्सपेक्टेड था, ये पिछली गवर्नमेंट ने भी करना था और इस गवर्नमेंट ने भी करना था। अब हमेशा हुकूमत पे क्रिटिसिज्म होती है कि जी आपने बढ़ा दी कीमत। ना पीटीआई ने बढ़ाई है, ना पीएमएलएन ने, ना ये जो अलायंस है इसने। ये आईएमएफ इंस्ट्रक्शंस जो देगा आप उस पर करेंगे, सिंपल एज दैट। अदरवाइज कई लोग कहते हैं नहीं जी ये कहो, ये हो गया, वो हो गया, अदरवाइज यू गो इन टू बैंकरप्सी, सिंपल एज दैट। सो आपने एक कंडीशंस होती हैं, आप पे लगाई हुई हैं और वो हुआ है। आटे की कीमत ये भी बढ़ गई है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ खबर दे देता हूँ कि आईएमएफ ने कहा है कि आपने बिजली की कीमत भी बढ़ानी है और एक्सपेक्टेड है कि 3.75 रुपये ये भी बढ़ जाएगी आइंदा आने दिनों में। अब ये प्लीज़ एक चीज़ का बिल्कुल ठंडे दिल से सोचें, हुकूमत कोई भी नहीं चाहती है कि कीमतें बढ़ें, लेकिन ये आईएमएफ की कंडीशंस हैं, इस पे आपको चलना पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और वेदर यू डोंट लाइक इट। उसके साथ एक और जो चीज़ है कि क्वेश्चंस बड़े उठ रहे हैं फ्रॉम द कोर्ट्स। इमरान खान ने कहा था कि भाई ये ऑर्डिनेंस कर देंगे, अपने नए बनाएंगे, लॉस चेंज कर देंगे। आज जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स, उन्होंने भी यही लाइन ली है कि ये कैसे कर सकते हैं कि खुद आप उसमें चले गए हैं और आप खुद ही उसको निकाल रहे हैं। खैर ये चल रही है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से अपनी वो रिपोर्ट्स मांगी हैं, लेट्स सी के आगे क्या होता है। लेकिन ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है, इफ्तिखार साहब मुझे बताएं ये लेटेस्ट कितनी बढ़ी हैं, और आटे की और इसकी गंदम की ज़रा मुझे बताएं। मुझे शक्कत आटे को तो ये डील कर रहा है अपना जावेद आके प्रोग्राम में, तो आपने मेरे में ये काम लगाया था कि पेट्रोल की अपडेट पर 179.86 इज द पेट्रोल रेट जो ताज़ा तरीन है जो आज से हम दे रहे हैं। डीजल गया है 174.15 पर लीटर डेफिनेटली पर लीटर, और कैरोसिन ऑयल 155.56 पर लीटर, एंड लाइट डीजल रुपीज़ 148.31। तो जैसा बहुत डिटेल बताया वाई ऐसा क्यों हुआ और ये हमारी क्या मजबूरी है, ये मजबूरी हम सबको भुगतनी पड़ेगी। जब आपकी इकोनॉमी का ये हाल हो कि हम पैसे ना जनरेट कर सकें और लोगों से कर्ज मांगें, तो फिर हमेशा आपको भी पता है अगर आप आम आदमी हैं तो अगर आप कभी कर्ज लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक कुछ गारंटीज़ मांगता है, कुछ चीज़ें मांगता है। ये उसी तरीके की ये है कि भाई आपको पैसे हम दे दें तो आप कैसे कमा के हमें वापस करेंगे। ये ना हो कि आप पैसे दिए जाएँ और आप अपनी मनमानी करते हैं। एक ये बात आटे को ये डील कर रहा है। सर मैं आपसे सिर्फ एक और बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने खाद के 50 किलो के जो थैला था उसकी कीमत में 389 रुपीज़ की कमी कर दी है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, और खाद के 50 किलो जो थैला उसकी कीमत कर दी है उसने 1768 रुपये, और इसका इतलाक़ ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, 7 जुलाई से होगा, फौरी नहीं होगा। ये बात सुनने वालों को जाननी चाहिए, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सब्सिडी दे रही थी गैस की रिलीफ, वो उन्होंने कहा हम किसानों को दे देंगे। दैट इज़ द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद मी, कैरी ऑन। अच्छा बुखारी साहब, अब आप ये इसका मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल प्राइसेस हाइक हो गई हैं, हमने इस पर कई दफ़ा बात की है, कल पेट्रोल स्टेशंस, समबडी हैज़ गॉट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस कि पेट्रोल स्टेशंस ने पेट्रोल बंद कर दिया, ताकि आप बता दीजिए इन्होंने कमाया भी कितना, ज़रा ये भी बताइए। देखिए गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ होती हैं पेट्रोल पंप्स की, जहाँ पर जो टैंक हैं उनके उसमें 20,000 लीटर भी है, 30,000 लीटर भी है, इससे ज़्यादा भी हैं जो बड़े पेट्रोल पंप हैं। अब आप देखिए जब वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इंदिया आता है उनको या उनको इशारा मिलता है तो वो सेल बंद कर देते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक पेट्रोल पंप के ऊपर 30,000 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ था और उसको 30 रुपये पर लीटर फालतू मिला, तो 9 करोड़ रुपए एक टैंक से उसने कमाए एक रात में, क्योंकि लाइनें लगी हुई थी। मेरा ख्याल है पीजे ने भी देखी, आपने भी देखी, किलोमीटर लॉन्ग लाइन्स थी पेट्रोल पंप के ऊपर कल रात को। मतलब कहने का यह है कि हुकूमत के पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो पेट्रोल की कीमतें इस तरह बढ़ाएं कि पुराना स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया हो, जीरो रिपोर्ट करें पेट्रोल पंप, तो उसके बाद उनको सप्लाई दी जाए। बाकी ये करना पड़ेगा इसलिए, वरना गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है, जिसने रिक्शे में पेट्रोल डलवाना है, जिसने स्कूटर में पेट्रोल डलवाना है, उनकी तो ऐसी तैसी हो गई। 5 लीटर के ऊपर आप अंदाज़ा कर लीजिए उसको 150 रुपये फालतू पड़ा, जिसमें उसकी कभी टैंकी भरती थी। तो ये सारा कुछ अपनी जगह। दूसरी तरफ जो इशारा किया उन्होंने खाद की कीमत के हवाले से, दो तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं।
पिछली हुकूमत के दौर में खाद गायब हो गई थी, अगर आपको याद हो, एक क्राइसिस था बिल्कुल कि जी खाद आई नहीं। वो उसकी वजह ये थी कि यहाँ 1750 रुपये का थैला था और दुनिया की मार्केट में वो 10,000 रुपये पर बोरी बिक रही थी और अफगानिस्तान के थ्रू सारी की सारी स्मगल होगी। किसने की आज तक पता नहीं चला। पिछलों के कीड़े तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो कीड़े पड़े हैं उसके ऊपर भी तलाश करनी चाहिए। और इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सुप्रीम कोर्ट से कि वो इनके भी नोटिस लें। आप नोटिस ले रहे हैं कि जनाब इन्होंने अपनी मर्ज़ी का बंदा लगा लिया, लेकिन आपने उस वक्त नोटिस नहीं लिया जब बशीर मेमन जो FIA का हेड है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने घर बुला के ये कहा कि आप इनके खिलाफ़ मुकदमे बनाएं, जो मर्ज़ी मुकदमे बनाएं, इन्हें जेल में होना चाहिए। आपने 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, उसके ऊपर भी सुओ मोटो नहीं लिया। तो मतलब कहने का ये कि एक ऐसा तासुर अदालतों के बारे में नहीं उभरना चाहिए या किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कहे कि अदालतें बायस्ड हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है वेरी हम्बल फ्रॉम द जुडिशरी कि आप इस तरफ भी तवज्जो दें। ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि कानून की एक आंख है दूसरी नहीं है। ये मेरी बड़ी हम्बल। बुखारी साहब, एक और चीज़ है, मुझे बशीर मेमन का आपने जिक्र किया है, शुड हैव रिजाइंड और आज उठ के ये बात कर रहे हैं, इनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था? आज इतने ईमानदार बन रहे हैं, जब गवर्नमेंट चले गए तो ये हुआ। वेरी गुड, ये अब वालों ने कर दिया। अच्छा, जो आपने लगाए थे उन्होंने कर दिया रिजाइन? नहीं, तो फिर नो, तो फिर यही तो चीज है ना। फिर दैट इज वेयर आई एम सेइंग लेट द कोर्ट सी विद बोथ आईज। यही निजाम है, ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत निजाम है कि जो आज के हुक्मरान हैं आज इस चीज को, पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है, इसको चाहेंगे कि फर्ज समझ के कबूल कर लिया जाए क्योंकि मजबूरी है। आटे की तो कम हुई है ना, ठहर जाए, एक आटे की कम हो गई है। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि 30 रुपए पेट्रोल बढ़ने के साथ आपकी इकॉनमी पर क्या असर हुआ, और 6 हफ्ते डिले करने के साथ आपके कितने 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। जब आप IMF का जो इन्होंने प्लान रेज किया उसका भी जवाब देना। आपको पता था ये ट्रैप है, आलमी मंडी में तेल बढ़े हुए हैं, तो आप हुकूमत में आए, आपने उस ट्रैप से निकलने की बजाय उस ट्रैप में बैठे रहे, उस ट्रैप में वेट किया, क्योंकि इमरान खान का बयानिया चल रहा था, इमरान खान पॉपुलर हो रहा था। जैसे ही इमरान खान का धरना एक्सपोज हुआ तो इन्होंने मौका मिलते ही रात को अनाउंस कर दिया। मजे की बात क्या है कि ये 30 रुपए IMF को खुश करने के लिए जो कर दिए हैं उसे IMF खुश नहीं हो रहा, जो इस कौम को समझना चाहिए। ये किस ट्रैप में? एक सेकंड ना, यही तो मैं बाहर हूं ना कि 30 रुपए से कुछ नहीं होना। आने IMF की डिमांड है 110 रुपए बढ़ाएं, IMF की डिमांड है काइबर रेट को 20% लेकर जाएं, IMF की डिमांड है गैस पे सब्सिडी भी खत्म करें और इसकी प्राइस भी बढ़ाएं, IMF की डिमांड है कि आप 7,000 अरब जो अगले 8 दिन में आपने बजट पेश करना है उसमें कितने टैक्सेस लगाएंगे वो पूरा करें, IMF की डिमांड है कि जो आप बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं वो भी पूरी करें, IMF की डिमांड है कि जो आप सैलरीड लोगों के ऊपर आपने सब्सिडीज दी है वो खत्म करें। एक डिमांड मेरी भी है, एक सेकंड, वो ये है कि ये जो कुछ उन्होंने नहीं किया इसका क्रेडिट तो देना उनको। एक सेकंड, ये सारी चीजें प्रेशर के बावजूद उन्होंने नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि आपने इमरान खान के धरना जैसे ही एक्सपोज हुआ ये काम कर दिया, लेकिन इसके ना करने से आपको तकरीबन 500 मिलियन डॉलर का डायरेक्ट नुकसान हुआ जी, किस अगर ये टाइम पे कर रहे हैं। मेरे पास तो फैसले इस हुक्मरानों का माजी में इमरान खान ने भी यही गलती है। ठीक है, इनको भी रिस्पॉन्ड करने देना। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है कि IMF का एक वायदा है जो इमरान खान ने किया है वो हमारी मजबूरी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास ज़राए नहीं हैं, हमने माहदे से पैसे लेने हैं और इस मुल्क को चलाना है। दो रास्ते हैं, या हम इस मुल्क को चलाएं और या इस किस्म की जज्बाती बातों का मेरा पॉइंट सिंपल सर, आपके पास चॉइस है कोई? आपको टाइम पे फैसले भाई, मुझे बात करना है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की। तो अब दो हमारे पास चॉइस है सर, कि हम इनकार कर देते हैं IMF को और कुछ भी नहीं करते और हम सीधा सीधा डिफॉल्ट में जाते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा निज़ाम ही बिखर जाए, पहले हमारा सियासी निज़ाम धचके खा रहा है, हचकोले ले रहा है, अब आप पूरा का पूरा माशी निज़ाम भी हचकोले ले रहे हैं। क्योंकि 2 हफ्ते पहले नवाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि मैं इस गरीब आवाम पे हम पेट्रोल का बम नहीं गिराएंगे, सागदार की भी यही थी, मरियम नवाज शरीफ की भी। तो फिर 2 हफ्ते में कैसे हो गया ये सब? चले, दिस इज़ नॉट फेयर। IMF ना तो नवाज शरीफ का है ना इमरान खान का है,
IMF है पाकिस्तान की हुकूमत का एक बैन अल-अक़वामी इदारे के साथ, इंटरनेशनल मॉनिटरी इंटरनेशनल है और ये हमारी ज़रूरत है। इसके बगैर फिर दूसरा रास्ता वही है कि डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे और हाहाकार मिल जाएगी और श्रीलंका का कल, मैं हालांकि मैं कहता हूँ कि अल्लाह न करे ऐसा हो, श्रीलंका का वाक़या हमारे सामने है। तो ठीक है, ऐसे दोस्त जो इस किस्म की हमें अपनी तर्ज हुक्मरानी को बदलना पड़ेगा, चाहे माजी का हुक्मरान है चाहे आज का हुक्मरान है। इनको ये एहसास करना पड़ेगा कि हमने इस मुल्क और कौम के मुफाद में फैसले टाइम पे करने और ठीक करने। ये टाइम है जब IMF टाइम चाहिए ना, जब उनके पास जा रहे हैं। मेरे पास तो डायलेमा ये है कि एक वक्त में जिस तरह वनस्पति घी जब आया था तो आपको याद है छुपा के लोग लेके आया करते थे, IMF में जाना एक तरह की लानत समझी जाती थी। करेक्ट, जो हमारी ये बदकिस्मती है कि आज IMF के बगैर हमें लगता है कि बिल्कुल तर्ज हुक्मरानी जो है वो खत्म होता जा रहा है हमारा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इट्स वेरी बैड। एक हिस्ट्री में मिसाल है शौकत अजीज की, अगर मेरे साथी मुझे इजाज़त दें, उसने कहा था IMF से, हियर इज योर मनी, पिक अप एंड डोंट लुक बैक, गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, एंड इट हैपेंड, लेट देयर बी नो इल्यूजन। Why can't we do that? इसलिए कि इमरान खान साहब जाते हुए, इमरान साहब की हुकूमत में, इमरान खान का साहब को तो ब्लेम नहीं दे सकता, ऐसा मुआहदा करके गई है जिसमें आपकी गर्दन जो है वो तौक में है, आप बच नहीं सकते इससे, आपको इसके साथ हैंडल करना ही करना है। बाहर जब अगर फर्ज करें हम छोड़ दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो डिफॉल्ट में जाएंगे, डिफॉल्ट स्टेट डिफॉल्ट में जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा था लेट फैसला करने से, मैं ये जानना चाह रहा था, सर ये आपकी इनेविटेबल है, एक सेकंड, इसका मैं आपको जिंदा मसाला, इनेविटेबल है। रात आपने फैसला किया डॉलर आपका 2 रुपए नीचे आ गया, क्यों? आपने जितनी खौफजदा पिक्चर पेंट की है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब कुछ होगा अगर हम IMF के साथ तावन नहीं करेंगे। चले जी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बुखारी साहब से सवाल अभी है, क्या इस सूरत हाल में क्या फिर इलेक्शन हो जाएंगे? ये जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आपने डिबेट भी सुनी, एनालिसिस भी, लेकिन फिर इसके साथ साथ एक निचोड़ आप निकालते हो। निचोड़ ये है कि भाई इलेक्शंस होंगे कि नहीं, जो मैंने ब्रेक से पहले बुखारी साहब से कहा। बुखारी साहब, सो व्हाट डू यू थिंक इन द लाइट ऑफ दिस प्रेशर्स इंटरनेशनल हमारे पे हैं, इकोनॉमिक, और ये भी बता दीजिए साथ साथ कि जो भी आएगा वो इस दलदल में घुसेगा कि नहीं? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि अगर आपने इस इकोनॉमिक सूरत हाल को हैंडल करना है, डील करना है, तो इलेक्शन अब प्रायोरिटी नहीं बन सकते। प्रायोरिटी ये है कि आप इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करें। दूसरी बात ये है कि हमें कल प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके ये कहा कि हम तो अब 1 साल और 2 माह तक रहेंगे यहाँ। सो एक तरह से कैटेगोरिकली उन्होंने स्टेट कर दिया कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको बेहतर करने की है। इस सिलसिले में वो इकदाम क्या कर रहे हैं, जिस तरफ जवेद इशारा कर रहा है, वो ये है कि भाई अगर आपने फैसले ही करने हैं, आपने इम्प्लीमेंट ही करना है इसको, तो टाइम से तो कर लें ताकि और ज़्यादा डैमेज, यानी डैमेज कंट्रोल करें, डैमेज में को एनहांस ना करें। वो दैट्स ए पॉइंट विच इज़ वेल टेकन। लेकिन इलेक्शन जो है ये एक अयाशी है इस माहौल में जिसमें हम आज जिंदा हैं, इसलिए कि अगर आपने जाने वाले भी ठीक करके नहीं गए, आने वालों से भी ठीक नहीं होगा, तो फिर करेगा कौन? ये होगा ये कि वन फाइन मॉर्निंग वी विल फाइंड आउट कि जी वी हैव बीन डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर स्टेट। खुदा ना करे कि ऐसी सूरत हाल आए। मेरा ख्याल ये है कि इस एक इशू के ऊपर तमाम तर सियासी मुखासमतें छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए ताकि इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं वो बेहतर हो सकें। मेरे ख्याल से जिस मिसाक़े जमहूरियत की बात आज से 4-4.5 साल पहले शहबाज शरीफ ने की थी, अगर वो कर लिया जाता, मिसाक़े मईशत अगर उस वक्त वो कर लिया जाता, तो आज मेरे ख्याल से हम इस सूरत हाल से दो चार नहीं होते। अच्छा, फिर इफ्तिखार साहब, जैसे आपने भी कहा, सब कह रहे हैं IMF का तो प्रेशर है, वो हम पे प्रेशर डालेगा, आवाम चीखें मारेगी। सो इन बिटवीन जो भी गवर्नमेंट हो वो फिर फंसेगी। मैंने ये तो कहा दलदल बिल्कुल सही। देखे ना, अब लोगों को उकसाना ये कह के रूस से सस्ता तेल लेने की डील पर काम नहीं किया, जानते हुए वो लीडर को पता है कि जो रूस तेल हमें देना चाहता है उसको रिफाइन करने के लिए हमारे पास रिफाइनरी नहीं है। तो इस किस्म की सियासत ना की जाए। देखना, ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, हम रियल प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं।
ये अभी दोस्त कह रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहा था जावेद बुखारी साहब का, मेरा ख्याल है 130 रुपए लीटर बढ़ा देना चाहिए था, तो फिर तो ठीक रहते ना, क्योंकि अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं असूली तौर पे, तो उनको 130 रुपए लीटर बढ़ाएंगे तो बात वहाँ तक पहुँचेगी जो उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन 130 रुपए लीटर बढ़ाना पॉलिटिकली बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। लेकिन जवाब वही है जो आपके सवाल है, अगर इलेक्शन सुबह हो जाते हैं कोई जीते, इररिलेवेंट, प्रॉब्लम वही है। और प्रॉब्लम ग्यारह होगा कि जिन दिनों में इलेक्शन हो रहे होंगे यहाँ पे केयरटेकर सेटअप होगा, गवर्नेंस और बुरी होगी, गवर्नेंस पे तवज्जो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये लोग तो जो स्टेक होल्डर है ना, हर सियासी पार्टी स्टेक होल्डर होती है, उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी निभानी होती है ना, उसको पता होता है मैं क्या करने जा रही हूँ, तो जो केयरटेकर सेटअप आएगा तो उनकी तो कोई जिम्मेदारी है सच नहीं होगी, उन्होंने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना, वो उनकी तरफ से कुछ भी हो, वो किस किस्म के नए वादे करके आते हैं, ये बहुत हम बहुत बुरे फंस गए हैं इस सारे मामले में। और आवाम को चाहिए कि वो भी इसको समझने के लिए तैयार रहें कि डिफ़िकल्ट दिन आ रहे हैं और डिफ़िकल्ट दिन आ रहे हैं। तो बात यहीं आती है, ये जो सारी निचोड़ निकलता है कि गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इन्होंने शौकत अज़ीज़ का एक तस्करा किया है, वो 80 रुपये जब डॉलर इस पर बैरल तेल था, गवर्नमेंट गई है, इंटरिम गवर्नमेंट आती है, 150 पे हो गया, वर्ल्ड प्राइसेस बढ़ गई सारी। अब जो वर्ल्ड प्राइसेस बढ़ी हैं, आपकी मैनेजमेंट नहीं थी इंटरिम गवर्नमेंट पे, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उसको लिक्विडिटी आपके पास थी, हर चीज़ आपके पास था, मैनेजमेंट नहीं थी, और मारा कौन गया? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, क्योंकि जब उन पर जब वो आए तो इट वॉज बेसिकली डाउन इन द डोल्ड्रम्स। जो आपका सवाल है इलेक्शन वाला, ये देखें इस इलेक्शन तो उस माहौल में हो सकते हैं जहाँ पर हमारे पे ये दबाव ना हो, हम बहुत दबाव में। माजरत के साथ मेरा इससे इख्तलाफ है, मैं ये समझता हूँ कि शायद इलेक्शन इज़ दी ओनली सोल्यूशन, उसकी वजह ये है नहीं, जो ये कंडीशन दे रहे हैं उसके बावजूद इलेक्शन इज़ दी ओनली सोल्यूशन, उसकी बड़ी लॉजिकल रीज़न ये है जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब खुद इशारा कर रहे हैं कि आप इकोनॉमिकली इतने गंभीर मसाइल में फंसे हुए हैं कि आपको जब तक आप एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे उस वक्त आप इस इकोनॉमिक एक्सचेकर से निकल नहीं सकते, दिस इज द इशू। और ये वही कर सकता है जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा, ये तो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं ना, तो कह सकते हैं। मैं शायद समझता हूं कि इस हकूमत का शायद अगले महीने का भी नहीं पता, मेरी अपनी राय, मेरी अपनी असेसमेंट है। क्यों मेरे ख्याल ये डिबेट आज कर ही ले, एक सेकंड, ये जो ताशर दिया जा रहा है ना, अगले महीने क्या जा रहे हैं, इशू क्या है, इस इलेक्शन को, इस मामले को तय कर लें, अगले महीने इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, कल अनाउंस हो जाते हैं, कल है जून, जुलाई अगस्त सितंबर में होंगे इलेक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी अक्टूबर नवंबर में, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 महीने में आगे चले गए, इन 5 महीनों में ये जो क्राइसिस, ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस गहरा होगा या कम होगा, मेरा इस सवाल का जवाब है। मैं तो इस चीज पे बिल्कुल कन्विंस हूं कि इस हुकूमत के पास किसी किस्म का मुझे कोई रोल मॉडल नजर नहीं आ रहा, इस किसी भी हुकूमत के पास। उसकी वजह यह है कि जो बुखारी साहब ने बात की है कि मिसाके मईशत के बगैर पाकिस्तान को आप इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल सकते हैं। अब आप इस बात का मैं सेकंड इस तरह करता हूं, पिछले 14 साल में आपने 100 अरब डॉलर लोन लिया है, मुझे बताएं कि वो 100 अरब डॉलर कहां है। मैं पूछता हूं कि आज मेरी मिडिल क्लास गरीब क्यों हो रही है? अच्छी बातें कर लेते हो, क्यों? क्या हमारी तर्ज हुक्मरानी नहीं है? प्रॉब्लम क्या है जिसकी तरफ बुखारी साहब कह रहे थे, हमारे मुनाफकाना रवैये? आज के हुक्मरान आज वही लॉजिक्स दे रहे हैं जो कल की अपोजिशन दे रही थी, और कल की अपोजिशन वो लॉजिक दे रही है। एक सेकंड, एक बात सियासी है नहीं, बात सियासी बिल्कुल नहीं है, ये बात है IMF के साथ आपका एक मुआहदा है, हर आने वाले दिन में उस मायदे पे आपने दस्तखत करने हैं, जो जो वो शराइत आज इनको ये मुआहदा नजर आ रहा है, 6 हफ्ते से ये मुआहदा नजर नहीं आ रहा, सारे हर टेबल से इनको कहा जा रहा था कि आप इकोनॉमिक, इनको तो फिर सऊदी अरब से जवाब मिला था, एक सेकंड, यूएई और सऊदी अरब से जवाब मिला था, तो वो कोशिश तो आपको पता चल गई थी, कोई बंदा आपको पैसे देने को तैयार नहीं जब तक आप IMF बिल्कुल हुक्मरान आए, ये सऊदी अरब गए, ये कतर गए, ये चाइना गए, किसी ने निकाल नहीं दिया, प्लीज लेट मी स्पीक जी सर, उन्होंने कहा कि जनाब जब तक आप IMF के साथ, बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर चले जी, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, बात मैं कर रहा हूं, तुम्हें जो तुमने समझाना समझा दिया, अब मुझे लोगों से बात करनी है कि तुम क्या कह रहे हो।
उन्होंने कहा जी कि जब तक आप IMF के साथ माहदा नहीं साइन करते हम आपकी मदद नहीं कर सकते। IMF के माहदे में यही है, बल्कि अगर इसकी बात मान ली जाए तो 130 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाना चाहिए था। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं, क्या 30 के बाद IMF मानती है और पैसा कुछ सऊदी अरब से और कतर चाइना से आते नहीं आता, ये देखने वाली बात है। असल इशू ये है कि आप IMF के वायदे से नहीं भाग सकते, हाँ आपकी गवर्नमेंट हो आने वाली गवर्नमेंट हो, आप ट्रैप में फंस चुके हैं और इस ट्रैप के जिम्मेदार इस मुल्क का सरमायादार लुटेरा वो आदमी है जो ना टैक्स देता है ना वो तावन करता है ना वो इस मुल्क को चलाना चाहता है। बात को ठीक करें, इस मुल्क की इस बदहाली इकोनॉमिक बदहाली का हर वो मुजरम है जो डिसीजन मेकर है, जो इक्तदार की कुर्सी पे बैठा है वो मुजरम है। आज भी बैठा है, जो कल भी बैठा है। आप इमरान खान से पूछें, इमरान खान ने कमीशन बनाया था अरबों डॉलर की, हम वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। बुखारी साहब, ब्रेक का टाइम हो गया, वो खत्म हो गया। सारा निचोड़ बड़ा एक लफ्ज में है, इन्होंने बड़े नाम लिए सऊदी अरेबिया कतर दूसरों के, याद रखें दे आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दे पे मनी टू दम, पैसा वहीं से आता है। सो जो भी कहीं भी मुल्क पैसा देगा IMF को, वो यही कहेगा कि भाई कंडीशन लगाओ ताकि हमारे पैसे वापस आएँ। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू DNA। एनालिसिस और डिबेट ज़रा हेवी हो रही है। बुखारी साहब, पिछले मुझे थोड़ी सी दो चार गुजारिशात करनी है। वो जावेद इकबाल ने बड़े इंथूसियास्टिकली एक सवाल पूछा था कि वो 1000 रुपये कर्ज़े जो उन्होंने लिए थे 1000 अरब रुपये वो कहाँ गए। पिछली हुकूमत के बारे में मैं ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि उन्होंने यकीनी तौर पर बहुत करप्शन की होगी, बहुत खाया होगा, लेकिन उन्होंने जो कुछ लगाया वो नज़र आ रहा है, चाहे वो कारखाने हैं बिजली के, चाहे वो मोटरवेज़ हैं, चाहे जो कुछ भी है, किसी न किसी सूरत में वो नज़र आ रहा है। लेकिन जो रिकॉर्ड कर्जे इस हुकूमत ने लिए थे वो कहाँ गए, उसके बारे में आपने सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। मैं किसी को सिंगल आउट नहीं किया, आपने सिंगल आउट किया ना, 1000 कर्जे की बात आपने करके सिंगल आउट किया। 14 साल की बात की है, 14 साल में इमरान खान के 3.5 साल शामिल है। अच्छा, वो आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, 2008 से 2022 तक की बात। आपकी इस बात का जवाब ये दे रहा हूँ कि कुछ लोगों ने, कुछ हुकूमतों ने जो कर्जे लिए वो सरफेस पे नजर आ रहे हैं आपको, ये आप मान लें, ये डिनाइबल फैक्ट, झूठ नहीं है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। लेकिन बुखारी इस हुकूमत ने जो रिकॉर्ड कर्जे लिए वो कहाँ गए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। एक तो बात फिर किसने पूछना है। दूसरी बात मैं आ रहा हूँ ना जी, उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरा सवाल आपका जो था कि कौन पूछेगा, देखें कोर्ट हमारी जो है वो ये तो पूछ रही है कि ये सब इंस्पेक्टर आपने क्यों लगाया, लेकिन वो कोर्ट्स हमारी जो है उनके पास शायद फुर्सत नहीं है, वो ये नहीं पूछ रही कि ये इतने 1000 अरब रुपए का कर्जा कहाँ गया। नहीं नहीं, आप इमरान खान से पूछे, उन्होंने कमीशन बनाया था, उस कमीशन का क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं, उसका कोई ख्वाब किधर गया, वो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए यही तो तर्ज हुक्मरानी है जिससे बर्बादी हुई है। आप इस वक्त ब्लेम गेम में अगर हम पड़ेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, आपको डिसीशन लेने हैं। आपकी इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूं कि टाइमली लिया हुआ डिसीशन इज ए डिसीशन, अदरवाइज इट्स ए क्राइम। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द शो, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA। इस सेगमेंट में हमने बात करनी है जो कि आपको शायद इफेक्ट करे आगे या शायद ना इफेक्ट करे, और वो है इमरान खान ने जो अब कहा है बुखारी साहब के मैं 6 दिन के बाद वापस जाऊंगा और तैयारी लेके करके। देखिए पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से वो पहले आए थे और जिस तरीके से वो वापस गए हैं, ना तो टेक्निकली उनके पास इतनी तैयारी है कि वो फौरी तौर पर 6 दिन के बाद आ जाएंगे, ना उन्होंने आना है ये इसके बारे में, तो मुझे उस वक्त भी कोई भाव नहीं था जब ये तकरीर वो फरमा रहे थे, इसलिए कि उन्होंने देख लिया है कि उनको कितनी पजीराई कहाँ कहाँ से मिली है, कोई इबहाम इसके बारे में नहीं होना चाहिए। पंजाब ने कम्प्लीटली डिसोन किया इमरान खान को, ये जितने मर्जी आप आर्गूमेंट कर लें, ये 250-250 की 100-100 की टोलियाँ निकलने का उसको मैच नहीं करता, जो उनका ख्याल ये था कि पूरा पंजाब उबल पड़ेगा। अब वो सिर्फ जाके KPK में बैठ गए हैं। आप ये देखिए कि एक लीडर जो पूरे मुल्क का लीडर और पूरी कौम अपने साथ होने का दावा करता है, वो सेफ कहाँ अपने आप को फील कर रहा है, वो बनी गला में बैठने तक के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक उनके दोबारा आने का ताल्लुक है, इस दफ़ा वो रियायत भी नहीं होनी जो पहले हुई है रियायत,
ये इजाज़त थी उनको, इजाज़त दी गई उनको, कोर्ट ने उनका रास्ता साफ किया, कोर्ट के ऑर्डर्स को उन्होंने फ्लाउट किया, उसकी कोई परवाह नहीं की, ये सब रियलिटीज़ हैं और ये कोर्ट्स को देखना पड़ेगा कि अगर उनके ऑर्डर्स की इतनी ब्लैटेंट वायोलेशन होगी और वो उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करके या उसका दिफा करके, ये रास्ता नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूँ आपसे कि मेरा तजर्बा मुझे ये बता रहा है कि इमरान खान साहब अब उस तरफ उस तरह का तूफान मचाने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। क्यों जी बुखार साहब, आज क्या तारीख है सर? 27 तारीख है ना, कितना तीन दिन तो गुजर गए ना, चार दिन रह गए, या कम या दो तारीख की डेट देंगे ना? नहीं, वो छह दिन के बाद आना था ना, तो क्या तारीख बनती है वो? तीन तारीख को तो आने दें उनको, हम कमाल कह रहे हैं। अगर वो आएंगे, अगर वो नहीं आते तो फिर IMF के साथ जो हमारे थोड़े बहुत मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उसमें कोई ना रखना तो होना चाहिए ना, उनको कोई नाकाम बनाने का तरीका तो ढूंढना चाहिए हमें कि ये हुकूमत इस काबिल क्यों होगी कि इसने फैसला कर लिया कि हम आगे जाएंगे। इस हुकूमत को आगे नहीं जाना चाहिए, इसके रास्ते में वो रुकावटें खड़ी करना चाहिए ताकि डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जाएँ। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि वो कौम को निकालें, और उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट, अच्छा डिफ़ॉल्ट कैसे होगा सर? डिफ़ॉल्ट ऐसे होगा जब यहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी, लोग जब आप अपनी कमिटमेंट नहीं, बिल्कुल ऐसे होगा ना, जब झगड़े होंगे, झड़पें होंगी, कोई पता नहीं लगेगा। जिस तरह आज हम एक आदमी एक गवर्नमेंट के कहने की जो कमिटमेंट है हम उसको मानने को तैयार नहीं, वो जब दूसरा कोई आएगा उसकी वैसे तो नहीं आ जाएगा, नहीं इमरान खान विल नॉट बी हैंडेड ओवर पार टुमारो, नहीं प्लीज लेट मी, कल तो उसको ताकत तो नहीं दी जाएगी ना, इलेक्शन का प्रोसेस ये वो। उसे एक बात कही है कि एक कौम एहतजाज नहीं कर सकती तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं। हाँ साहब, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, इसमें तो काफ़ी आपके दोस्त जिनको हम जाती तौर पर जानते हैं वो भी आपके एहतजाज में शरीक नहीं हुए, उन्होंने पुलिस से कहा कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए, ये तो उनको फिर जिंदा रहने का हक नहीं। अच्छा पीजे, बात यह है कि इमरान खान ने अनाउंस तो कर दिया, इमरान खान को पहली बात है ये सोचना चाहिए, मैं तो एडवाइज़ ये करूँगा, ये जो उन्होंने 6 या 7 दिन की डेट दी है इसको 10-12 दिन पे ले जाएं, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पहले जो आपने एक धरने की लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से आप आए, पंजाब तो चलो बंद था, राणा सनाउल्ला ने जो भी किया मैं उस पर नहीं जानना चाहता, KPK तो खुला था ना, उधर से आप आ सकते थे, और फिर जिस तरीके से आपने अचानक ख़त्म कर दिया, एक तरफ आप कहते हैं डील थी या नहीं थी हम उसमें भी नहीं जानना चाहते, बट आपको किसी तरीके से ख़त्म करना चाहिए था। आप बेहतर यह है कि अपनी तंजीम साजी करें, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब ने इशारा किया, उन लोगों को अकाउंटेबल करें, उनसे पूछें, पहले प्लानिंग करें, प्लानिंग करने के बाद फिर कोई लॉन्ग मार्च के बारे में सोचें, उससे पहले रिलैक्स करें और गर्मी इंजॉय करें। चलिए जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार, एंड ऑफ कोर्स जावेद इकबाल एंड सलीम बुखारी साहब, तारों के आपने एक एनालिसिस आपने सुना है, इन्होंने कहा कि 10-12 दिन दे दें, दोबारा आप टाइम लेके आएँ, लेकिन इनका जो व्यू पॉइंट है वो कहते हैं जी कि ये डिफ़ॉल्टर्स हो जाएंगे। उसमें एक जो पॉइंट आता है कि जब आपकी SMEs या आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, तो पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे? स्ट्राइक होगी, जुलूस होगा, ये कहाँ से आएंगे? ये पॉइंट है, व्हाट विल हैपन देन? बिल्कुल, और उसके साथ इनका जो नज़रिया है कि ये उन्होंने फट रोक दिया, उन्होंने कहा कि खूनी ये ना हो, ये ना हो, फलाना वट एवर गुड, लेकिन सेंसिबिलिटी इसमें यह है कि शहबाज शरीफ साहब भी बैकफुट पे हुए, इमरान भी बैकफुट पे हुए, फ़ायदा किसका हुआ है? पाकिस्तान का हुआ है, कहीं ना कहीं कोई बात हुई है, ये अभी कहीं नहीं पता, क्योंकि इनको बताएंगे, बातचीत करें, क्योंकि जी जिस तरह अय्याज सादिक ने कहा, प्लीज आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, तशरीफ लाएं, पार्लियामेंट मौजूद है, आई एम पार्लियामेंट में, गेट इन, वो तैयार है मुज़ाकरात के लिए इमरान खान, एंड आई थिंक अब ग्रेजुअली विल बी ऑन द वे, सब कहते हैं कि वो पार्लियामेंट में आए, क्योंकि रेजिग्नेशन तो कई कहते हैं एक्सेप्ट ही नहीं हुए, वो स्पीकर कहते हैं मेरे पास आओ, वो भी नहीं है, सो देर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डिस्कशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर बात होती रहेगी टिल द टाइम इमरान डिसाइड्स व्हाट नीड्स टू बी डन और व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइड्स नीड्स टू बी डन। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।